नमस्कार दोस्तों, जिस खबर का इंतज़ार है आपको पिछले एक हफ्ते से, उसी का मैं जिक्र करने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी 7 साल का सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें हाईली एजुकेटेड प्रोफाइल कैरी कर रहे लोगों को शामिल किया गया है और इस नई कैबिनेट को अब तक की सबसे युवा टीम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी एवरेज उम्र जो है वो 58 ईयर्स है। कुल मिलाकर के ये टीम अब तक की सबसे अलग किस्म की टीम होगी मोदी के कैबिनेट में। अगर हम इन लोगों के एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 पूर्व राज्य मंत्री हैं और 39 पूर्व विधायक हैं। इसमें 23 ऐसे सांसद हैं जो 3 से ज़्यादा बार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 46 मंत्रियों को केवल सरकार के साथ काम करने का अनुभव है। अब अगर एजुकेशन की बात करें और उम्र की बात करें तो इस टीम में 13 वकील, 6 डॉक्टर और 5 इंजीनियर हैं। इनके अलावा 7 पूर्व सिविल सर्वेंट हैं, यानी कि IAS ऑफिसर हैं, यानी 43 शपथ लेने वालों में 31 लोग जो हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं। और इस नई टीम में एवरेज जो उम्र है वो 58 ईयर्स है। इसमें भी 14 मंत्री ऐसे होंगे जिनकी उम्र 50 साल से भी कम है। तो नई टीम में 11 महिलाएं होंगी, इनमें से भी 2 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अलग करता है पहले वाले जो मंत्रिमंडल के विस्तार हुए हैं उनसे। अगर जातीय समीकरण देखें तो 5 मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, इनमें एक मुस्लिम, एक सिख, एक क्रिश्चियन और 2 बौद्ध हैं और 27 मंत्री OBC समुदाय से रहेंगे। इनमें से 5 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा है मिला हुआ है और 8 ST शपथ लेंगे। इनमें 3 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, ये अरुणाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम से होंगे। ये गोंड, संथाल, मिजी, मुंडा, टी ट्राइब, कोंकणा, सोनोवाल जातियों से हैं और 12 ऐसी शपथ लेने वाले हैं। इनमें से 2 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाने वाला है, ये बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु से होंगे। इनमें रामदसिया, खटीक, पासी, कोरी, मादिगा, महार, अरुणथियार, मेघवाल, गंगा जातियों से हैं। नई कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के लिए नई कैबिनेट में जो नाम है वो 24 नाम फाइनल हैं। इन चेहरों के नाम मींस फाइनल हो गए हैं। इसके अलावा 28 पदों को देखते हुए 4 और चेहरों को शपथ दिलाई जा सकती है, यानी कि कुल 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कुछ के प्रमोशन भी होंगे और कुछ के डिमोशन। कुल 43 मंत्री शपथ लेने वाले हैं और अभी जो नाम फाइनल हुए हैं उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मीनाक्षी लेखी, सवर्ण सोनोवाल, हिना गवित और अनुप्रिया पटेल जैसे युवा चेहरे हैं। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले मौजूदा मंत्रियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री देवोश्री चौधरी, उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, प्रताप सारंगी और रतन लाल कटारिया से भी इस्तीफा लिया जा चुका है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को ही अपना इस्तीफा दे दिया था। अब कुल 111 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। 11 मंत्रियों का इस्तीफा कुल मिलाकर अगर देखिए तो अब तक हो चुका है और जिन 7 मंत्रियों का प्रमोशन होने जा रहा है जो कैबिनेट के मंत्री बनेंगे उन पे भी एक नज़र हम मारते हैं। अनुराग ठाकुर जो हैं वो हिमाचल के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर 46 साल के हैं। वो मौजूदा समय में फाइनेंस और कॉरपोरेट राज्य मंत्री हैं और BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। जे कृष्ण रेड्डी गृह राज्य मंत्री हैं, सिकंदराबाद लोकसभा से सांसद हैं और आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मनसुख मांडविया सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं, 2012 से गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं।
किरण रिजिजू केंद्रीय खेल मंत्री हैं, अरुणाचल पश्चिम से सांसद हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके पास है। आरके सिंह कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं, आरा लोकसभा सीट से सांसद हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है और 218 से राज्यसभा सांसद हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं। पुरुषोत्तम रुबला केंद्रीय पंचायती राज कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, राज्यसभा से सांसद हैं और गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मंत्रिमंडल है वो अपने आप में कई मायनों में बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें यूथ हैं, एक तरह से ये यूथ टीम है और इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मीन्स एकदम से हाईली एजुकेटेड प्रोफाइल कैरी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, और मैं और खबरों के साथ हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।